दिन में अखिलेश ने बुंदेलखंड के चप्पे चप्पे की यात्रा की। यहाँ के मुद्दे और जनता के मन को टटोलते हुए कई चुनावी वादे भी किए, लेकिन इन चुनावी वादों में कई तीखे तीर अखिलेश यादव ने भाजपा पर भी चलाए। लेकिन सवाल बड़ा है कि बुंदेलखंड की 3 दिन की यात्रा से अखिलेश आखिर लेकर क्या आए, क्योंकि बुंदेलखंड यूपी की वो पिच है जहां सपा हमेशा संघर्ष करती नजर आई है, और अब अखिलेश के सामने इस बंजर जमीन पर वोट की खेती करने की चुनौती है। पूरे सड़कों पर जनता दिखाई दे रही है। बाईस में बाइसिकल वाला प्लान, बुंदेलखंड से यूपी फतेह का ऐलान। ये ऐतिहासिक कार्यक्रम गवाह है इस बात का कि जिस समय मतदान होगा उस समय भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक हार का सामना करेगी। यूपी की सबसे मुश्किल पिच पर अखिलेश का टेस्ट। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। अगर यूपी का विधानसभा चुनाव क्रिकेट का वर्ल्ड कप है तो बुंदेलखंड इस वर्ल्ड कप की सबसे कठिन पिच, जिस पर बल्लेबाजी करना समाजवादी पार्टी के लिए हमेशा मुश्किल भरा रहा, क्योंकि 2012 में भी सपा यहां सिर्फ 6 के अंक तक ही पहुंच पाई थी। ये समाजवादी पार्टी का बुंदेलखंड में और यूपी में सबसे स्वर्णिम युग था। अब इसी युग को दोबारा लौटाने के लिए अखिलेश यादव ने बुंदेलखंड में धरती आसमान एक कर दिया है। कभी कृष्णा पटेल को साथ लेकर, तो कभी राजभर को साथ लेकर, तो कभी महान दल के केशव देव मौर्य को लेकर। अखिलेश 3 दिन तक विजय यात्रा निकालते रहे, 72 घंटे तक न दिन देखा न रात। पहले बांदा से होते हुए महोबा पहुंचे, दूसरे दिन ललितपुर और तीसरे दिन झांसी। कभी गदा उठाया तो कभी तीरंदाज बन गए। हर दिन अखिलेश ने भाजपा पर एक से एक चुभते हुए तीर दागे। हर दिन बुंदेलखंड की जनता को बेहतर भविष्य के सपने दिखाए। हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं बुंदेलखंड के भाई बहनों, हमारा बुंदेलखंड उसी समय खुशहाल हो जाएगा। 5 साल बहुत काम हुआ, अगर ये 5 साल का काम आज पूरा कर देते, घरों में भी पानी पीने का पहुंच जाता, ये इंतजाम हो जाता। झांसी के लोग अब भारतीय जनता पार्टी के झांसे में नहीं आएंगे। इस बार झांसी की जनता इनको अंग्रेजों से जिस तरीके से दौड़ाया था उसी तरीके से वोट डाल डाल करके इनको सबक सिखाने का काम। लेकिन जिस तरीके से अखिलेश ने पुल वाला दांव सूबे की योगी सरकार पर चला, उससे यूपी का सियासी पारा दिसंबर के सर्द मौसम में मई की याद दिलाने लगा। सड़कों पर खेतों में केवल धूल दिखाई दे रहा है। धूल, ये जो बुलडोजर वाले हैं इनका धूल दिखाई दे रहा है खेत में। रात रात जगना पड़ रहा हमारे किसानों को। पहले होड़ लगती थी इस बात को लेकर के किन माफियाओं को कौन कितना अपने गले में लगा करके इनके माध्यम से राजनीतिक रोटी सेंकी जाए। आज सबको मालूम है अगर माफिया के ऊपर बुलडोजर चल रहा है तो माफिया के शरणदाताओं के ऊपर भी जरूर चलेगा, क्योंकि अगर बुलडोजर योगी के लिए जीत का धारदार हथियार है तो अखिलेश के लिए योगी पर निशाना साधने का शस्त्र। लेकिन यूपी की इस महाभारत में कुछ भी उधार नहीं, हर सवाल का तुरंत जवाब है। 2014 में भी फेल और पास का सर्टिफिकेट मिला है, 2017 में भी फेल पास का सर्टिफिकेट मिला है, 2019 में भी फेल पास का सर्टिफिकेट मिला है। कौन फेल हुआ और कौन पास हुआ उनको अंतर्मन से इस बात को टटोलना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी का चिंतन है विकास, तेज गति से विकास और चतुर्दिक विकास, और उसी पर काम करते हुए भारतीय जनता पार्टी अग्रसर है। जिन्होंने आज तक कुछ नहीं किया है वो केवल लफाजी करते हैं,
और उनकी लफाजी को जनता अच्छी तरीके से समझती। देखिए अखिलेश यादव को यह नहीं लगता, अखिलेश यादव एक राज परिवार में कह सकते हैं कि उनके पिताजी मुख्यमंत्री थे, समाजवादी पार्टी को उन्होंने खड़ा किया था, वंशवादी परंपरा के तहत वो मुख्यमंत्री बन गए, मुख्यमंत्री पद उनका छीन गया, उत्तर प्रदेश की जनता ने छीन लिया। अब आज उनको ये लग रहा है कि हम को मुख्यमंत्री रहना चाहिए, हमारा ये अधिकार है, तो लोकतंत्र में किसी का अधिकार नहीं है। लेकिन सवाल बड़ा है कि बुंदेलखंड इस बार किसके लिए सत्ता का रास्ता खोलेगा, क्योंकि सीटें भले यहाँ 1900 लेकिन यूपी की बाजी जिताने के लिए काफी है। वहीं अखिलेश यादव के लिए बुंदेलखंड वो किला है जो सत्ता में रहते हुए भी उनके हाथ नहीं लगा है। ऐसे में सवाल बड़ा है कि क्या 3 दिन की भागदौड़ से अखिलेश बुंदेलखंड की तस्वीर बदल पाएंगे, क्या दशकों से बंजर पड़ी सियासी जमीन पर इस बार वोट की खेती कर पाएंगे। ये तमाम सवाल इसलिए खड़े हैं क्योंकि अखिलेश की रैली में भीड़ बहुत दिखी, लेकिन क्या ये भीड़ वोट में तब्दील होगी, क्योंकि भीड़ को वोट में तब्दील करने में अखिलेश का रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं रहा। 2017 का चुनाव इसका गवाह है। झांसी से रतीश त्रिवेदी, ABP गंगा।